बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू द टुमी लाइब्रेरी चैनल। व्यूवर्स, इन दिस लेक्चर नंबर 9 का जो टॉपिक हैं वो हैं मेमोरी मॉडल्स। सो लेट्स स्टार्ट। असेंबली प्रोग्राम स्ट्रक्चर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर मेमोरी मॉडल्स, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। सो व्यूवर्स, इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट, इन तीनों को ओवरऑल एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। वेल, मेमोरी मॉडल्स। सो रिमेनिंग पार्ट इज इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज मेमोरी मॉडल्स। सो मेमोरी मींस डेटा इज स्टोर्ड, जिसमें डेटा स्टोर करते हैं। मॉडल्स मींस रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज डॉट मॉडल एंड व्हाई डॉट मॉडल इज यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। डॉट मॉडल क्या है और डॉट मॉडल को हम यूज़ क्यों करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। सो व्यूवर्स, जब प्रोग्राम क्रिएट करके कोडिंग जब लिखते हैं तो इनिशियली डॉट मॉडल का यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं डॉट मॉडल डायरेक्टिव, राइट। सो बेसिकली डॉट मॉडल लिख के प्रोसेसर को ये बताते हैं कि जो प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं या जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा रैम के अंदर। सो फंक्शन ऑफ डॉट मॉडल इज देयर ऑक्यूपाई द स्पेस फॉर प्रोग्राम इन द रैम, राइट। सिंपली हम रैम को बताते हैं कि हमें इतना स्पेस चाहिए, इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड हैं, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि इतना डेटा के लिए और इतना कोड के लिए चाहिए। सो द साइज ऑफ कोड एंड डेटा प्रोग्राम कैन हैव इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफाइंग अ मेमोरी मॉडल यूजिंग द डॉट मॉडल डायरेक्टिव, राइट। द सिंटैक्स इज डॉट मॉडल मेमोरी मॉडल। तो डिफरेंट मेमोरी मॉडल्स हैं, टिनी, स्मॉल, मीडियम, कम्पैक्ट, लार्ज एंड ह्यूज, 1 up to 7। इन सब मॉडल्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। मींस अगर टिनी लिखेंगे तो रैम के अंदर डिफरेंट स्पेस रिजर्व होगा, एंड अगर स्मॉल तो डिफरेंट स्पेस, एंड अगर मीडियम तो डिफरेंट स्पेस रिजर्व होगी मेमोरी में। बट डेटा प्लस कोड दोनों के लिए ये प्रोग्राम कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। जितना भी प्रोग्राम है वो मेनली दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, एक कोड एंड सेकेंड वन डेटा। कोड मींस जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, एंड डेटा जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट डिफाइन होते हैं, राइट। सो एज एवरी प्रोग्राम इज कंसिस्ट ऑफ कोड एंड डेटा पार्ट। सपोज ये रैम है तो रैम के अंदर किस तरह स्पेस रिजर्व करेंगे। हम कोडिंग लिखते हैं किसी भी एडिटर पे लाइक एम्यूलेटर, तो मोस्टली दो पार्ट कंसीडर करते हैं। नंबर वन कोड पार्ट, जिसमें इंस्ट्रक्शंस डिफाइन होंगी, एंड डेटा पार्ट जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट डिफाइन होंगे। तो जब प्रोग्राम रन होगा देन फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन और डेटा रैम के अंदर जाएगा, मींस अलोकेट होगी मेमोरी। आफ्टर दैट प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस रैम से
एक्सेस करके एग्जीक्यूट करेगा। राइट, नंबर वन डॉट मॉडल टिनी। जब डॉट मॉडल टिनी लिखते हैं तो रैम के अंदर कुछ स्पेस रिजर्व हो जाता है, तो वो कितना स्पेस रिजर्व होता है? अगर कोड प्लस डेटा इन दोनों का स्पेस लेस देन आर इक्वल टू 64 किलोबाइट रिजर्व करना चाहते हैं रैम में, तो यूज़ करेंगे टिनी मींस डॉट मॉडल टिनी। टिनी लिखने से मींस कोड प्लस डेटा कंबाइंड स्पेस रैम के अंदर रिजर्व हुआ वो टोटल लेस देन आर इक्वल टू 64 किलोबाइट होगा। राइट, और जब डॉट मॉडल सिमॉल लिखते हैं तो कोड लेस देन इक्वल टू 64 किलोबाइट एंड आल्सो डेटा लेस देन इक्वल टू 64 किलोबाइट मींस अलग अलग स्पेस रिजर्व हो जाता है। नेक्स्ट वन, इन डॉट मॉडल मीडियम में कोड एनी साइज एंड डेटा लेस देन इक्वल टू 64 किलोबाइट होता है। मींस अगर मैं चाहती हूँ कि कोड एनी साइज हो, जितनी चाहे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, अनलिमिटेड हैं और डेटा लिमिटेड सेट हैं, तो यूज़ करेंगे मीडियम। राइट, नेक्स्ट वन, जब डॉट मॉडल कम्पैक्ट लिखेंगे तो इस सिचुएशन में कोड लेस देन इक्वल टू 64 किलोबाइट लिमिटेड सेट होता है एंड डेटा एनी साइज मींस जितना मर्जी अनलिमिटेड स्पेस रिजर्व हो जाता है। राइट, नेक्स्ट वन डॉट मॉडल लार्ज मींस डॉट मॉडल लार्ज लिखने से रैम के अंदर कितना भी साइज कोड एंड डेटा के लिए मींस अनलिमिटेड स्पेस रिजर्व हो जाता है। कोड एनी साइज एंड डेटा आल्सो एनी साइज। लास्ट वन, जब डॉट मॉडल ह्यूज लिखते हैं इसमें भी सेम सिचुएशन होती हैं, कोड एनी साइज एंड डेटा आल्सो एनी साइज, बट लार्ज से बड़ा ह्यूज हैं। सो इन दोनों में जो स्मॉल डिफरेंस हैं, जो लिमिटेशन हैं, वो ये हैं कि इन डॉट मॉडल लार्ज में सिंगल डेटा सेट नॉट एक्सीड 64 किलोबाइट मींस सिंगल डेटा 64 किलोबाइट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। एंड इन डॉट मॉडल ह्यूज में सिंगल डेटा सेट में एक्सीड 64 किलोबाइट, तो इसमें एक्सीड कर सकता है सिंगल डेटा बाइट 64 किलोबाइट से। सो ये स्मॉल डिफरेंस था, बट ये इतना स्पेस चाहिए नहीं होता, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, मोस्टली यूज़ होता है स्मॉल, बिकॉज हम इतने लार्ज प्रोग्राम क्रिएट नहीं करते, सो इतना स्पेस रिजर्व करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। राइट, सो व्यूवर्स आज के लिए दैट्स ऑल। प्लीज़ share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.